बच्चों, आज हम गिनती सीखेंगे। गिनती को अंकों में और शब्दों में लिखना सीखेंगे। हम एक से 150 तक गिनती सीख चुके हैं कि उसको कैसे अंकों में लिखा जाता है और कैसे शब्दों में लिखा जाता है। आज हम 150 के आगे यानी कि 151 से गिनती लिखना शुरू करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि अंकों में कैसे लिखते हैं और फिर देखेंगे कि उन्हें शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। बच्चों, 150 के बाद 151, 151 यानी कि 151। तो हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? 151। उसके बाद 152 यानी कि 152। बच्चों, आप देखिए, ये 51, 52, 53 ये एक जैसा होता है। इसके आगे ये 100 यानी कि एक, अगर एक लगा है तो ये 151 हो जाएगा। ये दो लगेगा तो ये 251 हो जाएगा। यहाँ पे तीन लगेगा तो ये 351 हो जाएगा। लेकिन ये 51 वही रहेगा, उसका नाम नहीं बदलेगा। सिर्फ उसके पहले जो ये 100 के स्थान पे लग रहा है, अगर ये एक है तो ये 100 होगा, दो है तो 200, तीन है तो 300। इसी तरीके से होता है। तो आइए इसको पूरा पढ़ लेते हैं। 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160। ठीक है बच्चों, पहले अंकों में लिखेंगे, उसके बाद इसका जो नाम है उसको हम शब्दों में लिखेंगे। जैसे 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160। बच्चों, यहाँ पे 100 इसलिए है क्योंकि 100 के स्थान पर एक दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हर जगह 100 के स्थान पर एक है, इसलिए हम 100 सबके पहले लगा रहे हैं। ये 51, 52, 53, 54 ये इसी प्रकार रहता है। सिर्फ 100 के स्थान पर संख्या बदलने से यहाँ पे 100 का नाम बदल जाएगा। ठीक है, अब 160 के आगे से देख लेते हैं। 161, पहले अंकों वाली संख्या देख लेते हैं। 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170। बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिए। जैसे 161 के ठीक पहले क्या आएगा? 160। देखिए, 161 के ठीक पहले आया 160। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे 60। ठीक है, अब 60 के बाद जो संख्या आ रही है, आप उसमें देख सकते हैं कि सब में 60 लगा है। यानी कि 60 में से आ की मात्रा को हटा दिया गया और सब में ये 60 इस प्रकार लगा हुआ है। प्रथम 8 संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
प्रथम आठ संख्या में अंतिम में ये 60 लगा है, जिसका ये तात्पर्य है कि ये 60 वाली पंक्ति का संख्या का नाम है, ठीक है। उसके बाद जब हम 70 की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए 70 के ठीक पहले ही ये जो आखिरी में तर है ये 69 में लगा हुआ है, यानी कि ये मिलता जुलता है। ये आपके याद करने का एक आप पहचान बना सकते हैं और इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये जो इस तरीके से त लिखा हुआ है ये आधा त और पूरा त को लिखने का एक तरीका ये भी होता है। जैसे हम आधा त और पूरा त इस प्रकार लिखते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। अब 161 को अंकों में लिखने के बाद हम शब्दों में लिखेंगे। 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ने से पहले जैसे यहाँ पे 70 है, ठीक है, अभी जैसे हम लोग ने 60 में देखा कि सबके अंतिम में 60 का 60 आया है, वैसे ही अब जब हम 70 से आगे बढ़ेंगे तो सभी शब्दों के अंत में 70 का ये तर आप देख पाएंगे कि ये अंतिम के ये जो दो शब्द दो वर्ण हैं वो 70 वाली लाइन में सभी शब्दों में आएंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए 71, 72, 73, बच्चों ये पहचान है, अगर आप इस पहचान को ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से इसको सीख पाएंगे। आइए पहले अंकों में देख लेते हैं। अब आते हैं 171 पे, यानी कि 171 पे, 171, 171, इसको क्या बोलेंगे, 171। उसी प्रकार 172, 172, 173, 173, 174, 174, 175, 175, 176, 176, 177, 177, 178, 178, 179, 179, 180, 180। देखो यहाँ से बदल गया, अब हम 80 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमने 80 वाले सी शब्द का प्रयोग किया है 80 के ठीक पहले, और 80 के बाद आने वाले अंकों में भी हम इस सी शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए उसे भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अब 180 के बाद 80 वाली पंक्ति में सारे शब्दों में सारी संख्या के नामों में सी शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे ये पहचान है कि ये 80 वाली पंक्ति के संख्या है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 181 यानी कि 181, 182 182, 183 183, 184 184, 185 185, 186 186, 187 187, 188 188, 189 189, 190 190। बच्चों यहाँ पे
वो समानता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से वो समानता आपको नहीं दिखेगी। फिर से देख लेते हैं, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187। यहाँ पे भी देखो, आधा त और पूरा त को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 188, 189, 190। अब 190, इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ भी हम लोग ने 90 शब्द से अंतिम का जो वर्ण था बे, उस शब्द का प्रयोग हर संख्या के नाम के अंत में किया है, ठीक है। 191, 191, 192, 192, 193, 193, 194, 194, 195, 195। यहाँ पे अंक की मात्रा है, इसका ध्यान दीजिएगा, 95। 196, 196, 197, 197, 198, 198, 199, 199, फिर 200, 200। बच्चों ये थी 151 से लेकर के 200 तक की गिनती, संख्या अंकों में और शब्दों में। अब यहाँ दो की जगह अगर तीन लिखा हो, 300, तो ये हो जाएगा 300, 400, 400, 500, 500, इसी प्रकार से ये बढ़ता है। उसी प्रकार बच्चों अगर यहाँ जैसे 197 लिखा है तो इसको हम बोलते हैं 197। अगर मान लो कि यहाँ पे एक ना लिखा हो, सिर्फ 9 और 7 लिखा हो, तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ 97 बोलेंगे। फिर से बोल रही हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ना लिखा हो, सिर्फ 9 और 7 लिखा हो, तो हम इसको 100 नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्या पढ़ेंगे, 97 पढ़ेंगे। बच्चों मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अंतिम वाला जो ये नाम है संख्या का, ये वही रहता है, समान रहता है, सिर्फ उसके पहले 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 100 के स्थान पे लगने वाले अंकों के प्रकार इसके नाम बदल जाते हैं। अगर एक लिखा है तो 100, 2 लिखा है तो 200, 3 लिखा है 300, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो सिर्फ इसी संख्या का हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो नाम है ये समान रहता है, सिर्फ इसके पहले क्या लगा हुआ है, कौन सा अंक लगा हुआ है, उसके आधार पे नाम बदल जाता है, उसके पहले वाले नाम बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नाम है 91, 92, 93, ये समान रहेगा, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं, अभ्यास पे आते हैं हम लोग। बच्चों इसको आपको अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में करना है, ठीक है। हिंदी व्याकरण कॉपी में पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, गिनती अंकों एवं शब्दों में। कहाँ से शुरू किया हम लोगों ने, 151 से, कहाँ पे शेष करेंगे, 200 पे, ठीक है। ये लिखेंगे, उसके बाद 151 से लिखना शुरू करेंगे। आप पहले अंकों में लिखिएगा, कोशिश करिएगा अंकों का नाम आपको देख के ना लिखना पड़े, आप पहले अंकों में लिखिए और अंकों का नाम आप याद कर लीजिए, फिर आप कोशिश करिए कि आप बिना देखे लिख पाएँ। जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पे आप सहारा ले लीजिएगा, देख के लिख लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा बिना देखे करने का। इस प्रकार आपका काम भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा,
ठीक है। तो इस प्रकार अंकों में पहले लिखेंगे और फिर शब्दों में लिखेंगे हम 151 से शुरू करके 200 तक। जब 200 पे हो जाएगा तब हम अपना अभ्यास शुरू करेंगे। अभ्यास क नंबर, नीचे दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए, भाग एक। बच्चों ये वाला अभ्यास जो है ये दो भागों में है। पहला भाग ये है, आइए देख लेते हैं पहले भाग में क्या है। अंकों को शब्दों में लिखना है, यानी कि एक तरफ आपको अंक लिखे हुए मिलेंगे लेकिन आपको उनको पढ़ना होगा, पहचानना होगा और उसका क्या नाम है वो अपने आप आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाला मैंने आपको करके दिखाया है, जैसे 151। पहले आप इसको पढ़ेंगे कि ये लिखा क्या है 151, फिर आपको इसका क्या नाम है ये सोच के अपने आप यहाँ पे उसका नाम लिखना होगा। तो उसका नाम है 151। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको पूरा करना है। मैं अंकों को पढ़ दे रही हूँ, नाम आप अपने से लिखेंगे। 158। अब इस प्रकार पहले आप पढ़ेंगे फिर आप सोचेंगे कि 158 ये तीनों मिल करके क्या नाम होता है इसका, फिर वो नाम आप अपने से लिखेंगे। बच्चों अपने आप करिएगा, देख के ये अभ्यास नहीं करिएगा। 182, 182 इस प्रकार नहीं लिख दीजिएगा, ये 182 मिल करके क्या नाम बनाते हैं वो नाम आपको लिखना है। जैसे 151, यहाँ पे 151 इस प्रकार नहीं लिखा है, ये 151 मिलकर के क्या नाम बनाते हैं वो नाम लिखा है, उसी प्रकार ही करना है। सारा एक बार पढ़ने दे रही हूँ, 151, 158, 182, 185, 180, 164, 190, 199, 200। ठीक है, ये अभी जो हम लोग ने गिनती पढ़ी उसी पर आधारित है ये भाग एक, इस अभ्यास का भाग एक जो अभी हम लोग ने गिनती पढ़ी उसी पर आधारित है। अब आ जाते हैं भाग दो पर। बच्चों देखिए भाग दो में क्या है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन जो हम पढ़े हैं उसके आधार पर हम इसको भी करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने ये तो पढ़ा है कि 171 को हम लोग 171 बोलते हैं, ठीक है, ये अभी हम लोग ने पढ़ा। लेकिन अगर एक के स्थान पर दो लगा दिया जाए, जैसा मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि एक के स्थान पर दो लग गया तो ये 71 का नाम तो वही रहेगा लेकिन दो लगने से 100 की जगह हम इसको 200 कर देंगे। ठीक है, फिर से ये 71 इसका नाम है 71, ये मिलकर के 71 बनते हैं। ठीक है, तो 71 नाम तो वही रहेगा, वो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन एक की जगह 100 के स्थान पर दो लग गया तो हम 100 ना बोल करके 200 बोलेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 271। ठीक है बच्चों, इसको आप करने का प्रयास करिए, सब कुछ समान है। जैसे 5 5 मिलके क्या बनता है 55 बनता है। ठीक है, ये 55 नाम हमें पता है कि 5 5 मिलके 55 लगता है। अब 5 5 के पहले एक की जगह क्या लगा है, दो लगा है, तो हम 100 ना लिख करके क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे। ठीक है, अब ये अंक मैं एक बार पढ़ रही हूँ, आप इसको पहले अपनी कॉपी में करेंगे लिखेंगे फिर इसका नाम अपने आप करने की कोशिश करिएगा, इसको प्रयास करिएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 271, 255, 281, 201, 207, 220, 215, 230, 260, 270। बच्चों एक और देख लेते हैं, जैसे
ये आपको पता है 3 और 0, ये दो अंक पहले आप दीजिए, ये दो अंक क्या है 30 है, ठीक है, ये 30 हम जानते हैं, इसमें से 2 को छुपा दीजिए, ये 30 हमें पता है कि इसको 30 बोलते हैं। अब 30 के पहले क्या लगा है, 2 लगा है, तो ये क्या हो जाएगा 230 हो जाएगा, अगर 1 लगा होगा तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चों, एक बार इसको करने का प्रयास करिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे अभ्यास पर, ख नंबर पर, ये भी बहुत आसान है। नीचे दिए गए शब्दों को अंकों में लिखिए, यानी कि शब्द लिखे हैं 170, ठीक है, तो ये आपको दिया रहेगा, आपको शब्द लिखे दिए रहेंगे, आपको उनको पढ़ के उन्हें अंकों में परिवर्तित करना है, और ये बहुत ही आसान है। 170, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 170, 170 क्या हो गया 170, ठीक है, 187, 181, 198, 190, 200, ठीक है, कुल 6 हैं। पहले आप इनको अपनी कॉपी में लिखिएगा, फिर इनके नाम पढ़ के आप इनको अंकों में अपने से परिवर्तित करिएगा, ठीक है बच्चों। आज हम गिनती यहीं पे समाप्त करते हैं 200 तक, इसका खूब अच्छे से अभ्यास करिए, आगे के क्लास में हम आगे की गिनतियाँ भी सीखेंगे। गुड डे।